आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। मैं ध्रुव धनकर फिर से आपके लिए रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, अभी अभी IBPS क्लर्क प्री की शिफ्ट वन कंप्लीट हुई। शिफ्ट वन का डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, प्लस सर ने कुछ क्वांट के जो सवाल पूछे गए थे नंबर सीरीज के भी अपलोड किए हैं और सिंप्लीफिकेशन के भी अपलोड किए हैं। तो वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा। इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मंथ बेस्ड पजल, जो शिफ्ट नंबर वन में आज सुबह पूछी गई। अब एग्जैक्टली वैसी के वैसी पजल हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट हैं उन्होंने कुछ ही इन्फो हमारे साथ शेयर किया था। उस इन्फो को लिया मैंने, बाकी उनसे और पूछा तो उन्होंने वो नहीं कमेंट कर पाए टाइम पे और फिर लेट हो जाता है, इसलिए मैंने अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन ऐड की और आई होप काफ़ी सिमिलर टू जैसा आपसे सवाल पूछा गया उससे काफ़ी सिमिलर सवाल रहे डिफ़िकल्टी लेवल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से सवाल। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने एक बार जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ, आई होप काफ़ी सिमिलर हो जो आपसे पूछा गया। एट मूवीज़ और आठ मूवीज़ का नाम था विल बी रिलीज्ड इन डिफरेंट मंथ्स, अलग अलग आठ महीनों में रिलीज़ की जाएगी, जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। देखिए, आइदर या तो आठ मूवीज़ के नाम दे रखे थे या फिर ऐसा दिया होगा कि आठ मूवीज़ रिलीज़ हो रही है आठ महीनों में और इन आठ मूवीज़ को देखने जाएंगे आठ अलग अलग लोग। तो आठ मूवीज़ के नाम देने के बजाय हो सकता है आपको आठ पर्सन के, एट पर्सन्स के नेम दे रखे हो। दोनों बातें सेम ही है, मूवीज़ के जगह इसके जगह हम अगर पर्सन्स रख दें तो भी सेम ही बात है। ठीक है, अब जल्दी से बेसिक आउटले बना लेते हैं। जैन फैब मार्च देन अप्रैल, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और फाइनली है आपका अगस्त। ठीक है, एक ही वेरिएबल है और कुछ नहीं है। हो सकता है जैसे मैंने मूवीज़ के नाम लिखे हों, हो सकता है आपको मूवीज़ के नाम ना दे रखे हों, उसके बजाय पर्सन के नाम दे रखे हों कि ये पर्सन अलग अलग महीने पे मूवी देखने जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो दोनों बात सेम ही है, कोई बात नहीं, दो केस के लिए पहली जगह बना के रखते हैं। ठीक है, एव विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ 30 डेज बिफोर जुलाई, जुलाई से पहले। तो सबसे पहले दिनों को रख देते हैं, 28, 31, 31, 31, 31 और 31। ठीक है, जुलाई से पहले है और 31 वाले महीने में, तो एक तो मई आ गया और एक आ गया कौन सा, सॉरी मई नहीं, एक आ गया आपके पास जून आ गया और एक आपके पास आ गया अप्रैल। तो दोनों पे एफ को बिठा दीजिए, इसी बेसिस पे दो केस बन जाएंगे, एक बार जून में और एक बार अप्रैल में एफ बैठा। ठीक है, थ्री मूवीज विल बी रिलीज बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में तीन मूवी रिलीज होगी, एक दो तीन ऊपर तो जगह नहीं है, एक दो तीन यहाँ पर सी आ गया, एक दो तीन यहाँ पर सी आ गया, एक में अगस्त में सी आया, एक बार फरवरी में सी आया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ए विल बी रिलीज इमिजिएटली आफ्टर एच, ए कब होगी, एच के जस्ट बाद रिलीज होगी और एच के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन है, एच विल बी रिलीज इन द मंथ ऑफ 30 डेज, एच 31वें महीने में होगा। तो केस वन में देखें तो सर एच और ए यहाँ पर आ सकता है, और कैसा, एच और ए यहां पर भी आ सकता है, तो दोनों रख के देख लेते हैं। एच ए जैसे यहां पर रखा, उसी प्रकार इसके अंदर भी देखें तो एच ए यहां पर तो नहीं, पर यहां पर रख के देख सकते हैं एच और ए। अभी एक ही केस ले रहे हैं, इसके मल्टीपल और भी बन सकते हैं, वो भी देखेंगे, रुक जाइए एक मिनट के लिए। एच और ए रखा, अब आगे क्या बोल रखा था, नंबर ऑफ मूवीज बिटवीन ए एंड एफ इज सेम एज एफ एंड डी, ए और एफ के बीच में जितना गैप है उतना ही एफ और डी के बीच में है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ए और एफ में एक का है तो एफ और डी में भी एक का गैप आ गया, बहुत बढ़िया। बी विल बी रिलीज बिफोर एफ, बी एफ से पहले होगी तो बी यहाँ पर आएगी, एंड देर विल बी वन मूवी बिटवीन बी एंड डी, बी और ई के बीच में एक मूवी होगी तो ई यहाँ पर, और ये आपका पूरा अरेंजमेंट ही बन गया और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब इसी के अंदर ये चीज़ देखेंगे, ए और एफ में कितने का है, एक का गैप है तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, डी आ गया। एफ से पहले ए और एफ, और एफ से पहले यहाँ पर इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन मिस कर दी मुझे लग रहा है, कोई नहीं अपने देख लेंगे, एक मिनट रुक जाइए, एक इन्फॉर्मेशन इसमें और होनी चाहिए थी, शायद वो बता नहीं पाए थे, एक इन्फॉर्मेशन मैं इसमें और ऐड करूँगा। बी विल बी रिलीज बिफोर एफ, बी एफ से पहले होगी तो बी एफ से पहले बी यहाँ पर आ सकती है, और बी और ई के बीच में एक का गैप है तो ई यहाँ पर और जी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये केस भी बन जाएगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिसिंग है जो उन्होंने मुझे नहीं बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है, जी की रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग रहनी चाहिए, वो मैं लिख भी रहा हूँ, जी विल बी रिलीज्ड, जी विल बी रिलीज्ड
आफ्टर ई, जी विल बी रिलीज्ड आफ्टर ई, ई के बाद रिलीज होगी जी। तो सर केस नंबर वन में जी ई के बाद ही जी रिलीज हो रही है, पर केस नंबर टू में ई से पहले जी रिलीज हो रहा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा ये? अब ये सवाल यहाँ तक मैंने लिखा है, पर ये यहाँ पर खत्म नहीं होता। ई से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन आती है, वो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिख दी है। माफी चाहूंगा कि स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, एंड में साथ सॉल्व करते करते, क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला उसी टाइम मैं सवाल लाया, मैंने महीने ऐड किए और आपके लिए सवाल लिया है। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल हो सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे खुद को ऐड करनी पड़ी है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ नहीं थी, पर राउंड अबाउट जो लेवल था एग्जैक्टली यही था, कोई और वेरिएबल नहीं था, कोई डिफिकल्टी नहीं आ रही थी। दो केसेस बन रहे थे और एक केस आराम से एलिमिनेट हो रहा था और एक केस आपका ट्रू केस आ रहा था। तो फाइनल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर सवाल में नहीं लिख रखी है वो है कि जी विल बी रिलीज्ड आफ्टर ए, जी ई के बाद आएगा, ई के बाद आएगा, तो इसका मतलब कौन सा केस आ जाएगा? केस वन ट्रू हो जाएगा, केस टू आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। अब इस पे बेस्ड आपसे पांच क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो पांचों क्वेश्चंस के आपको आंसर देने थे। ठीक है, अब इसमें छोटा मोटा करेक्शन हो तो माफी चाहूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली किसी को भी पूरी पजल याद रहना बहुत डिफिकल्ट रहता है। अब बहुत डिफिकल्ट रहता है कि एग्जैक्टली पूरी पजल बता रहे हैं, उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन बताई उसके अकॉर्डिंग मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करने लाया। थोड़ा मेरे पास टाइम और होता तो और मैं बेटर तरीके से पजल को क्रिएट कर सकता था, पर क्योंकि आपको पता है अभी थोड़े समय में दूसरी शिफ्ट भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसके भी प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ ग्रेट डे।